शाहजादा धारावाहिक का आज दूसरा कांड है। कुछ महीने पहले इस धारावाहिक जिसके निर्माता नरेंद्र मोदी जी हैं और जिसके निर्देशक अमित शाह जी हैं और जिसके खलनायक अमित शाह के बेटे जे अमित शाह हैं, उसका पहला कांड घटा था। उस कांड का नाम था टेंपल एंटरप्राइजेस। टेंपल एंटरप्राइजेस एक ऐसी कंपनी थी जो 2012 से लेकर 2 साल तक घाटे में चली। तब तीसरे साल में 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और चौथे साल में 50,000 करोड़ से लेकर 50,000 रुपया व्यापार था और चौथे साल में व्यापार 50,000 रुपये से लेकर 81 करोड़ रुपया हुआ और पांचवें साल में टेंपल एंटरप्राइजेस बंद हो गया। तो ये रहा टेंपल एंटरप्राइजेस की कहानी। 2 साल घाटा, तीसरा साल 50,000 रुपये का व्यापार, चौथे साल 81 करोड़ रुपये का व्यापार, पांचवें साल बंद हो गया। जब सवाल उठाया गया तब अमित शाह जी ने कहा टेंपल एंटरप्राइजेस ने सरकार के साथ कोई व्यापार नहीं किया है, सरकार से कोई जमीन नहीं लिया है, सरकार से कोई ठेका नहीं मिला है। आज देश के सामने इसी धारावाहिक का दूसरा कांड है। टेंपल एंटरप्राइजेस तो बंद हो गया पर कुसुम फिनसर्व अभी उभर कर आया है। कुसुम फिनसर्व, फिनसर्व माने फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका शॉर्ट फॉर्म है कुसुम फिनसर्व। और इसके मालिक जे अमित शाह हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हैं उसमें। तो टेंपल एंटरप्राइजेस का कांड घट गया है, बंद हो गया है टेंपल एंटरप्राइजेस और अब देश के सामने कुसुम फिनसर्व उभर कर आया है। और ये कुसुम फिनसर्व एक बड़ी अजीब सी कंपनी है। एक तो ये कंपनी नहीं है, ये सीमित दायित्व भागीदारी है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी। और इस कुसुम फिनसर्व का मूल्य, नेटवर्थ जो है 6 करोड़ रुपया है। और इस 6 करोड़ रुपये के नेटवर्थ के आधार पर कुसुम फिनसर्व ने अलग अलग बैंकों से 95 करोड़ रुपये का मिला है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसका मूल्य है मात्र 6 करोड़, इसको मिला है बैंकों से उधार की सुविधा 95 करोड़ का। मैं नहीं समझता हूं हमारे देश में ऐसा और कोई मिसाल है जो 5 करोड़ रुपए के मूल्य के आधार पर बैंकों से 95 करोड़ रुपया ऋण लेने की सुविधा मिली है।
कुसुम फिनसर्व ने अलग अलग बैंकों से ये उधार लिया है और कुसुम फिनसर्व ने उधार लेते वक्त दो जमीन और एक कमर्शियल बिल्डिंग अहमदाबाद में, अहमदाबाद के पास दो जमीन, दो प्लॉट जमीन और तीसरा एक बिल्डिंग गिरवी रखा है, मॉर्गेज बैंकों को किया है। इस जमीन के मालिक जय शाह नहीं है, इस जमीन के मालिक अमित शाह हैं। बेटे ने बाप के नाम पर, बाप के जमीन के नाम पर 95 करोड़ रुपए का उधार बैंकों से लिया है। ये तो एक लायबिलिटी हो गया। पिछले साल 24 जुलाई 2017 को अमित शाह जी ने ये इलेक्शन एफिडेविट दिया, चुनाव के वक्त राज्यसभा में जब उनका चुनाव हो रहा था, इलेक्शन एफिडेविट चुनाव शपथ पत्र उन्होंने भर्ती किया। और इसमें एक प्रश्न है, मैंने भी ये किया है, सभी ने किया है, एक प्रश्न है इस एफिडेविट में जहां आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने बैंकों से कुछ पैसा लिया है, क्या आपके बैंकों से कुछ ड्यू है, क्या कोई लायबिलिटी है आपका, और है तो उन संस्थाओं के नाम दीजिए। मैंने भी भरा है, मैंने कोई ऋण नहीं लिया, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मैंने नील वहां भर्ती किया। अमित शाह के ये 25 पन्ने का इलेक्शन एफिडेविट है अमित शाह जी का, और 8वें पेज पर ये कहते हैं अपने चुनाव शपथ पत्र में कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। इनका जो दो जमीन है उनके आधार पर उनके बेटे ने बैंकों से पैसा लिया है, और अमित शाह जी कहते हैं कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। जमीन के मालिक अमित शाह हैं, जय शाह नहीं। मेरा पहला सवाल बीजेपी अध्यक्ष से ये है कि क्यों नहीं आपने अपने शपथ प्रमाण, शपथ पत्र में, चुनाव शपथ पत्र में, इलेक्शन एफिडेविट में क्यों आपने ये जानकारी नहीं दी कि आपकी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि आपके जमीन के आधार पर आप ही के बेटे ने बैंकों से उधार लिया है। ये पहला सवाल। दूसरी बात, पिछले साल मई के महीने में 2017 में कुसुम फिनसर्व को गुजरात सरकार की संस्था GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, सनंद जगह का नाम है, वहाँ GIDC का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, और मई 2017 को कुसुम फिनसर्व को एक जमीन दी जाती है। उस जमीन का मूल्य 6 करोड़ रुपया है, वो लीज में दिया जाता है। ये कोई अपराध नहीं है, होता रहता है, पर किस आधार पर यह जमीन कुसुम फिनसर्व को दिया गया उस पर बड़े सवाल उठते हैं। और एक महीने के अंदर, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, एक महीने के अंदर
उस जमीन को लेकर कुसुम फिनसर एक निजी बैंक से 17 करोड़ रुपया का उधार लेता है। यानी कि ये जमीन गुजरात सरकार अमित शाह के बेटे को लीज करती है ताकि इसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा, पर इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निजी कंपनी से उनको 17 करोड़ रुपए का उधार मिलेगा। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, कानून के मुताबिक कुसुम फिनसर्व को हर साल रिपोर्ट सरकार को देने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट के तहत रिपोर्ट फाइल होना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट। आज तक, अभी हम 11 अगस्त 2018 में हैं, आज तक 2016-17 का एनुअल रिपोर्ट कुसुम फिनसर्व ने पेश नहीं किया है। ये अपराध है, ये कानून के खिलाफ है, कार्रवाई करने लायक है। ये आज तक पिछले साल 2016-17 का एनुअल रिपोर्ट फिनसर्व ने अभी तक सरकार को नहीं पेश किया है। चौथा सवाल, ये कुसुम फिनसर्व कोई फैक्ट्री विक्ट्री नहीं है, ये एक वित्तीय व्यापार है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इसको ऊर्जा मंत्रालय की एक संस्था आईरीडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईरीडा, पिछले साल आईरीडा ने इस कुसुम फिनसर्व को करीब 10.5 करोड़ रुपया उधार दिया रतलाम में एक वायु एनर्जी पर, विंड एनर्जी लगाने के लिए रतलाम में। आईरीडा ऊर्जा मंत्रालय की एक संस्था है, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी थे। किस आधार पर कुसुम फिनसर्व को, जिसकी कोई अनुभव नहीं है ऊर्जा में, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ धंधा व्यापार करता है, उसको आपने 10.5 करोड़ रुपया दिया एक वायु ऊर्जा की फैसिलिटी लगाने के लिए, जबकि आप ही के नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति को आप 5 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते थे। आईरीडा के ऐसे नियम हैं कि एक व्यक्ति को हम 5 करोड़ के ऊपर नहीं देंगे, पर इस कुसुम फिनसर्व को 10.5 करोड़ रुपया दिया गया। तो साथियों, शेल कंपनी तो बंद हो रही हैं और बंद होना भी चाहिए, पर शाह कंपनियां चल रही हैं अलग अलग। पहले टेंपल एंटरप्राइजेस था, अब कुसुम फिनसर्व हो गया, अभी तीसरा कौन सा कंपनी उभर कर आएगा वो भी तीसरे कांड में हम बताएंगे आपको, तो धारावाहिक चलता रहेगा। पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, तो जरूर जय शाह ने बड़े प्रभावशाली स्टार्टअप किए हैं। एक स्टार्टअप था टेंपल एंटरप्राइजेस, 50,000 रुपये से लेकर 81 करोड़, और 81 करोड़ से लेकर तीसरे साल में बंद हो गया।
अभी कुसुम फिन सर 6 करोड़ मूल्य, उधार की सुविधा 95 करोड़, बाप के जमीन को गिरवी रखना और पिताजी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसकी जानकारी छुपाते हैं। ये कानून के मुताबिक है, ये एफिडेविट में सारी जानकारी देने की ज़रूरत है। और अब इलेक्शन एफिडेविट में जो आप इनकम टैक्स की जानकारी देते हैं उस पर भी जांच हो रही है, मेरी जांच हुई है। जो मैंने डिक्लेयर किया था 2 साल पहले इनकम टैक्स से, मुझे भी नोटिस आया है कि आप मुझे बताइए आपका टैक्स रिटर्न क्या है, ताकि जो इलेक्शन एफिडेविट में आपने कहा है वो सच है कि नहीं। पर क्या अमित शाह से ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आपने अपने इलेक्शन एफिडेविट में ये जानकारी नहीं दी कि आपके जमीन को लेकर आपके बेटे ने बैंकों से उधार लिया है? ये तो मॉर्गेज हुआ, ये लायबिलिटी हुआ, जमीन की संपत्ति है पर उसका लायबिलिटी हो जाता है जब आप बैंकों से उधार लेते हैं। और ये उधार जय शाह ने लिया अमित शाह के नाम पर, और अमित शाह के एफिडेविट में ये जानकारी देना अनिवार्य है, और ये है नहीं, ये छिपाया गया है। और जिस तरीके से कुसुम फिनसर के जो बैलेंस शीट है, हालांकि पिछले साल का तो अभी तक सरकार के पास नहीं है, पर पिछले जो बैलेंस शीट हैं हर साल घाटा दिखाता है, हर साल घाटा दिखाता है। तो बिल्कुल ये साफ है, ये स्टार्टअप है, ये विशेष स्टार्टअप है, ये कुछ भी करे, गलत काम करें, आईडीडा से नियम अनुसार, नियम में जो कहा गया है उससे दुगना उसको उधार मिले, बिना कोई अनुभव का, बिना कोई एक्सपीरियंस का ऊर्जा के क्षेत्र में। पर ये सब अलग है, क्योंकि जय शाह हमारे देश के पहले बेटे हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं, सहकारी बैंकों से उनको उधार मिला है, और जिस सहकारी बैंक से उनको उधार मिला है उस सहकारी बैंक में गुजरात बीजेपी के नेता नितिन पटेल उसके सदस्य हैं। तो ये सब एक जाल है, ये सब मिले जुले हैं, और मैं नहीं मानता इसकी जानकारी अमित शाह को नहीं है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है। तो देश जानना चाहता है कि क्यों इलेक्शन एफिडेविट में यह जानकारी छिपाई गई, देश जानना चाहता है कुसुम फिनसर्व का रहस्य क्या है, और देश जानना चाहता है कि किस आधार पर बैंक आईडीडा, निजी बैंक, सहकारी बैंक, किस आधार पर, किस अनुभव पर इस नौजवान युवक को उधार हर साल देती रही हैं, और किस आधार पर गुजरात सरकार ने जे अमित शाह को सनंद में जमीन का लीज दिया ताकि वो बैंकों से और अधिक पैसे का उधार ले सके। तो ये धारावाहिक है, धारावाहिक चलता रहेगा, और हम मांग करते हैं कि जो ईमानदारी के ठेकेदार बने हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो खड़े होकर कहें ये कुसुम फिनसर्व का रहस्य क्या है।
और क्यों कुसुम फिनसर्व को, जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं उनके व्यापार पर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यू केम लेट, मैंने कहा तीन, इंग्लिश में कहूं, हमारे तीन मांगे हैं। पहली मांग यह है कि इलेक्शन एफिडेविट में कानून के आधार, कानून के प्रकार अमित शाह को जानकारी देनी चाहिए थी कि उनके ज़मीन मॉर्गेज किया गया है, क्यों नहीं इलेक्शन एफिडेविट में यह जानकारी दी नहीं गई। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जीआईडीसी ने सनंद में कुसुम फिनसर्व को ज़मीन का लीज दिया मई 2017 को, एक महीने बाद निजी बैंक से कुसुम फिनसर्व को 17 करोड़ का उधार मिलता है, उसके कागजात पब्लिक में आए, किस आधार पर आपने ज़मीन दिया, किस व्यापार के लिए आपने ज़मीन दिया, और ये क्या ये नहीं सही है कि सिर्फ बैंक से उधार लेने के लिए ये ज़मीन दिया गया। और तीसरा सवाल ये है कि आईरीडा, एक विंड एनर्जी रतलाम में एक विंड एनर्जी फैसिलिटी लगाने के लिए कुसुम फिनसर्व को करीब 10.5 करोड़ रुपया दिया गया, जबकि आईरीडा के नियम के अनुसार कुसुम फिनसर्व जैसे कंपनियों को 5 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं दिया जा सकता, इनको 10.5 करोड़ रुपया मिला, क्यों और क्या ये विंड फैसिलिटी जो है रतलाम में लगाया गया कि नहीं। टेंपल एंटरप्राइजेस पर तो हमने सवाल उठाया था, मैंने खुद उठाया था कि ऐसा हमारे देश में कोई ऐसा कंपनी नहीं है, 70 साल में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो एक साल दो साल घाटे में चलता है, तीसरे साल 50,000 रुपये का व्यापार करता है, चौथा साल 81 करोड़ रुपये का व्यापार करता है और पांचवें साल में बंद हो जाता है। ये मैंने खुद उठाया था, ये अजीब सी कंपनी है, 70 साल में टेंपल एंटरप्राइजेस, और वो भी क्या नाम भी चुना है, टेंपल एंटरप्राइजेस। टेंपल को तो कुछ मर्यादा देनी चाहिए, टेंपल बनाने वाले या टेंपल बनाने की दी दावे करने वाले टेंपल एंटरप्राइजेस लेकर इतना बड़ा महाघोटाला किया है। पर वो कांड तो हो गया क्योंकि टेंपल एंटरप्राइजेस भी बंद हो चुका है, और टेंपल एंटरप्राइजेस अभी कुसुम के रूप में उभर कर आया है, और ये कुसुम इतना भी इतना ही मैला है जितना टेंपल था। इसी पर हाँ, बिल्कुल हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे क्योंकि ये जानकारी देना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कानून के मुताबिक है। अगर किसी की लायबिलिटी है, संपत्ति तो हम दिखाते हैं, पर जब हमने बैंकों से उधार लिया है तो ये दिखाना ज़रूरी है, और ये नहीं कह सकते कि उधार मेरे बेटे ने लिया है क्योंकि बेटे ने अमित शाह के जमीन के आधार पर वो उधार लिया है। जो जरूर हम इलेक्शन आयोग में जाएंगे। बिल्कुल गलत जानकारी है, बिल्कुल गलत जानकारी है, अधूरी जानकारी है, जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई है, और ये कानून के मुताबिक है। हम ज़रूर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन को कहे, मैंने कहा आपको कि मेरे ही मिसाल लीजिए,
मेरे ही इलेक्शन एफिडेविट पर इनकम टैक्स ने कितने सवाल उठाए हैं, पिछले एक साल से सवाल उठा रहे हैं, और मैंने कोई जानकारी छुपाई नहीं है। और कई सदस्य ऐसे हैं जो लोग, मुझे कहा गया बाद में, जो राज्यसभा में जीत कर आए हैं उनके सारे रिटर्न इलेक्शन एफिडेविट से तुलना की जा रही है, उसमें कोई मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब जानबूझकर कुछ जानकारी देनी चाहिए आपको चुनाव शपथ पत्र में, आपने नहीं दिया है, ये गैर कानूनी है। As far as we are concerned, the owner of the two properties which have been mortgaged is Mr. Amit Shah. Kusum Finserv, 60% is owned by Jay Shah, and I think another 30% is owned by Jay Amit Shah's wife. So the credit facility that Kusum Finserv has got is 95 crores. On a net worth of less than 6 crores. He's got that facility because he has mortgaged two plots of land which are owned by his father and one commercial property in Ahmedabad. Not only that, he has got lease of a GIDC plot in Sanand, and that plot is valued at about 6 crores. Normally, you take a plot to put up a factory or you to put up some enterprise. There are no assets, no inventory for Kusum Finserv. Within 1 month of getting that land from GIDC, he gets a 17 crore loan from a private company. So I think this is highly questionable and dubious business transactions, as dubious as temple. Kusum Finserv is as dubious and as questionable as temple enterprises. आज हम जे अमित शाह की बात कर रहे हैं, जे अमित शाह तक आप सीमित रखिए, आप इसको यहाँ वहाँ लेने की कोशिश मत कीजिए। जे अमित शाह पर जो कागजात हैं उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है, अगर उस पर आपको कुछ सवाल करना है सवाल कीजिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। हाँ, दूसरा सवाल। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मुझे, मैं सिर्फ राज्यसभा सदस्यों की बात कर रहा हूँ। मुझे कहा गया, जब मुझे नोटिस मिला, मैंने वित्त मंत्रालय से जानकारी ली और वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इलेक्शन एफिडेविट में जानकारी दी है, जो सदस्य चुनकर आए हैं उनके टैक्स रिटर्न के साथ उसको तुलना की जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर एक किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, और करना भी चाहिए। ये सब देखते जाइए, पर पहला कदम जरूर चुनाव आयोग को हम जरूर जाएंगे। को अगर हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं हम आज नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर हम जरूर चुनाव आयोग को जाएंगे। चुनाव आयोग से हम कहेंगे कि ये इलेक्शन एफिडेविट कानून का उल्लंघन है, जो कार्रवाई आपको करना है कीजिए। क्रेडिट लिमिट, They were given by cooperative banks and private bank. They were given by, if you want to know the name of the banks, Kalupur.
कालूपुर, KALUPUR, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, इन विच मिस्टर नितिन पटेल, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बीजेपी लीडर, इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर. दे हैव ऑल्सो गॉट डीलिंग्स विद कोटक महिंद्रा. So they have got money, from what we have been able to find out, they have got this credit limit with cooperative banks and with private banks so far. So far. Maybe information will come that they have got the credit limit with nationalized banks as well. I wouldn't be surprised. Is the credit limit. Is the credit limit. The net worth is 5.8 crores. The credit limit is 95 crores. Well, I told you, as to give you an example, on the basis of the land that was given on lease in May 2017, he got 17 crores. I mean, that's one example of a transaction. So we are not talking of hypothetical transactions, we are talking of actual transactions here. Okay. If you want, this is a public document. The affidavit is a public document. We have already sent you a copy of the GIDC letter giving that land on lease. That also has been emailed to you. What else have we emailed? We've given them election affidavit. Election affidavit. And the GIDC letter. These are the two important pieces of information. Haji, and I think you have got all the information on Temple Enterprises, because I had myself taken a press conference, I remember, on Temple Enterprises. पहले अमित शाह जी की को अपने बेटे के कारनामों पर और थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी है. पहले वो अपने इलेक्शन एफिडेविट में क्यों उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी उसका जवाब दें. जे अमित शाह और टेंपल एंटरप्राइजेस के बारे में जवाब दें और अब कुसुम फिन सर्व के बारे में जवाब दें. दुनिया भर की बातें करते हैं अमित शाह जी, पर जो असली बात है तो देश जानना चाहते हैं, द नेशन वॉन्ट्स टू नो दिस.